एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे जल्द ही फिल्म खो गए हम कहां में नजर आएंगे, जिसकी आज मुंबई में स्क्रीनिंग रखी गई। फिल्म खो गए हम कहां में अनन्या पांडे एक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ इश्क फरमाती नजर आएंगी, जो 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। वहीं रिलीज से पहले मुंबई में फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें अनन्या और सिद्धार्थ अपने को स्टार्स के साथ पोज देते नजर आए। अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में अनन्या पांडे को कूल लुक में देखने को मिला। उन्होंने क्रॉप टॉप के साथ ब्लू डेनिम कैरी की थी। एक्ट्रेस ने कर्ली बालों और न्यूड मेकअप से अपना लुक पूरा किया था। वही फिल्म की स्क्रीनिंग में अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा भी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ चतुर्वेदी को सपोर्ट करने पहुंची। बॉलीवुड की डीवा अनन्या पांडे कुछ वक्त पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट हुई है, जहां अब एक्ट्रेस अपना पहला क्रिसमस धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाली है। इसकी तैयारियां एक्ट्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। हाल ही में अपनी तैयारियों की एक झलक एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ भी शेयर की है। अनन्या पांडे बी टाउन की पॉपुलर एक्ट्रेस है, जो सोशल मीडिया क्वीन भी कही जाती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों की एक तस्वीर शेयर की है। दरअसल इस साल एक्ट्रेस अपने नए घर में पहला क्रिसमस मनाने वाली है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसलिए उन्होंने अभी से ग्रैंड पार्टी की तैयारी शुरू कर दी है। अपने दौर की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री तनुजा की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के जुहू के एक अस्पताल में तनुजा को भर्ती कराया गया है। तनुजा इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। तनुजा को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में दाखिल कराए जाने की बात सूत्र ने बताई। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी सामने नहीं है कि आखिर उन्हें एग्जैक्टली क्या हुआ है। वह पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तनुजा अंडर ऑब्जर्वेशन में है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि 80 साल की अभिनेत्री तनुजा फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है और उनके स्वास्थ्य को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। एक्ट्रेस काजोल देवगन की मां को उम्र संबंधित दिक्कतों के कारण रविवार को जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीवी के फेमस एक्ट्रेस मौनी राय ने एक्टिंग के बाद अब बिजनेस में अपना हाथ आजमा रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में मुंबई की अंधेरी में अपना एक रेस्टोरेंट बदमाश ओपन किया है। मौनी राय ने अंधेरी में अपने रेस्टोरेंट बदमाश की एक और ब्रांच ओपन की है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इसके लिए ग्रैंड लॉन्च भी रखा था, जिसमे कई सितारों ने शिरकत की। अपने रेस्टोरेंट की ग्रैंड पार्टी की कुछ फोटोज एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया था। इन फोटोज में एक्ट्रेस शिमरी शॉर्ट ड्रेस में कातिलाना अदायत देती नजर आ रही है। मौनी राय अपने रेस्टोरेंट बदमाश की इनसाइड फोटोज भी पोस्ट की। इन फोटोज में एक्ट्रेस के खूबसूरत रेस्टोरेंट की थीम और इंटीरियर की झलक देखने को मिली है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने बेटी आराध्या बच्चन के स्कूल एनुअल फंक्शन पर एक साथ उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि कपल डिवोर्स लेने वाले हैं। धीरू भाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में ऐश्वर्या पति अभिषेक बच्चन, ससुर अमिताभ बच्चन और बिग बी के नाती अगस्त नंदा के साथ नजर आई थी। वहीं अब एनुअल फंक्शन के दूसरे दिन एक्ट्रेस पति अभिषेक के साथ आराध्या के स्कूल पहुंची। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दूसरे दिन के लिए ऐश्वर्या राय ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना, वहीं अभिषेक बच्चन को वेज कलर के सूट में देखा गया। डिवोर्स रूमर्स के बीच कपल ने एक साथ बैठकर पूरा फंक्शन एंजॉय किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।